नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज बात नेपाल और भारत की करेंगे। आज नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल के रिश्तों में नई इबारत लिखने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। कल की बात की जाए तो कल पशुपतिनाथ में दर्शन करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नेपाल के दौरे से सभी को ये उम्मीद है कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर होते हुए नजर आएंगे। आज किस तरह का कार्यक्रम रहा और किस तरह की सौगात दी नरेंद्र मोदी ने नेपाल को, देखते हैं। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं और नेपाली संसद में आज हनुमान और भगवान बुद्ध का जिक्र करके मोदी ने नए रिश्तों की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी काठमांडू पहुंचे थे उस वक्त खुद कोलाला वहाँ पर उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। 19 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, हर तरह की व्यवस्था की गई थी। और सबसे बड़ी बात, जब नरेंद्र मोदी नेपाली सड़कों पर चलते नजर आए, जब उनका काफिला निकला, उस वक्त लोगों की जो भीड़ थी वो देखते ही बन रही थी। और ये कहा जा रहा था कि इस दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी का यही मानना है कि नेपाल और भारत के संबंध और ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आएंगे और नेपाल से रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए इस रिश्ते में भावनात्मक चीज़ें भी जोड़ने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। आने वाले दिनों में इसका कहाँ कहाँ हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, किस किस तरह की तस्वीरें होंगी और अगर नेपाल और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं तो इससे और भी देशों को एक बेहतर मैसेज जाता हुआ नजर आएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह जी हैं। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ एलजेपी की तरफ से आरसी यादव जी हैं। यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, कल का दिन और भी खास होगा जब पशुपतिनाथ में वो दर्शन करेंगे और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के भक्त हैं नरेंद्र मोदी, ये मानते हैं कि ये दौरा हमें बहुत कुछ देगा और भारत और नेपाल के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे इस दौरे से? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, अगर आप देखिए तो जैसे आज मोदी जी ने कहा भी कि हम इतने नज़दीक हैं दोनों देश, भारत और नेपाल, लेकिन सिर्फ कुछ दूरी तय करने में हमको 17 वर्ष लग गए। और उन्होंने आश्वस्त भी किया आज नेपाली संसद को, जिसको नेपाली वहाँ का संविधान सभा कहा जाता है, उसको उन्होंने आश्वस्त किया कि अब फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की बातें अब नहीं होगी और ये निरंतरता बढ़ती रहेगी। आज वो दृश्य मैं देख रहा था, मैं सुन पा रहा था जब नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे संविधान सभा को, इतने अभिभूत नजर आ रहे थे संविधान सभा के प्रतिनिधि जो थे, लग रहा था कि मोदी जी कोई इस तरह का प्रवचन कर रहे हों और लोग उसका आनंद उठा रहे हों। आज एक एक बातें उन्होंने जी की है, मुझे लगता है पूरे नेपाल की जनता के दिलों को जीतने का उन्होंने काम किया है। आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, जब मोदी जी वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। वहां के जाने के बाद जिस समय वहां से प्रस्थान किए, जिसकी चर्चा आप स्वयं कर रही हैं, जिस तरह से जयसल्लाब सड़कों पर उमड़ा था, लगता था कि मोदी आज प्रधानमंत्री ना होके, मुझे लग रहा था वहां कोई उनका एक देवतुल्य स्वरूप उस नेपाल की धरती में उमड़ा पर वहां उपस्थित हुआ हो और उनके एक दर्शन के दर्शन मात्र को कैसे पूरे नेपाल की जनता लालायित थी। मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि एक नया इतिहास रचने का काम आज मोदी जी ने जाहिर तौर पर इस दौरे को लेकर नेपाल के जो लोग हैं, वहां के चाहे प्रशासन हो या फिर नेपाली सरकार हो, सभी को उम्मीदें नजर आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ नेपाली मदद की भी पेशकश की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बिजली के जरिए हम चीजों को और ज्यादा विकसित कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी कैसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपके पास आना चाहूंगी आरसी यादव जी, अगर बात की जाए 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की है और नेपाली संसद में संबोधन प्रकट किया, आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं?
ये एक रिश्ता के रूप में बहुत ही अच्छा है, हमारे रिश्ते इससे मजबूत होंगे। वैसे रिश्ते हमारे पहले भी थे और ख़ास करके इन्होंने एक भावनात्मक ये जोड़ा है ये जीत बहादुर को ले जाके। हाँ। और ऐसा हमको लगता है कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप ये चीज़ लें, मैं चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा आपका मैं ध्यान लाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ है। और सेंट्रल एशिया में जब बाबर को ये सेवानी खां उज़्बेक ने हराया था और इसकी बहन को ले लिया था, फिर सेवानी खां उज़्बेक को जब शाह इस्माइल ईरान का हराया और उन्होंने जिस तरह से खानजादा बेगम को बाबर को हैंडओवर किया, उसी तरह का एक भावना को बढ़ाने का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी, यानी कि हर पहलू को नरेंद्र मोदी ने यादव जी ध्यान रखा है, चाहे वो भावनात्मक पहलू हो, आर्थिक पहलू हो, बिजनेस के लिहाज से हो, रोजगार की बात कर ली जाए, नेपाली जनता की बात कर ली जाए, किस तरह से लोगों से खुद के जुड़ाव को स्थापित किया जा सकता है, वो सारी चीजें आज इस समय दौरे में देखने को मिल रही है। एक्सेप्ट करते हैं या नहीं आप? हम एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, जाहिर तौर पर अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो आपको बता दें कि बहुत आश्चर्य की बात थी कि तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर कोइलारा नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि इस दौरे में कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ खास बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है, ख़ास तौर से किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट करके जोड़ने की कोशिश की जाती है। नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र कर, भगवान बुद्ध का जिक्र कर दोनों रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की बात की। साथ ही साथ ये कहा कि अगर हम बात करें जीत बहादुर की, तो जीत बहादुर ने जिक्र किया उनके परिवार से वो मिलाते हैं और ये कहते हैं कि भावनात्मक रिश्ता है नेपाल से और इस रिश्ते को अगर मजबूत करना है तो हम दोनों को पहल करनी होगी। किस तरह की कुछ खास बातें थी, क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, देखते हैं। मोदी ने आज पूरे दिन नेपाल में क्या क्या किया? नेपाल में हुई मोदी की नमो नमो, एयरपोर्ट पर मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, मोदी की एक झलक पाने को बेताब, दिखे नेपाली। आज सुबह 9:10 पर मोदी दो दिन के नेपाल के ऐतिहासिक दौरे के लिए भारत से विशेष विमान के जरिए रवाना हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 10:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुँचा, जहां नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर उन्हें 19 तोपों की सलामी भी दी गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब नेपाल के किसी प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़कर प्रधानमंत्री की अगवानी की। गौरतलब है कि मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे काठमांडू में जगह जगह मोदी के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नेपाल में मोदी के स्वागत की तारीफ की। आज जिस तरह से नरेंद्र भाई का स्वागत हुआ है नेपाल में, उससे हर भारतीय आज खुश है, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री का स्वागत जिस जोरदार तरीके से हुआ है, उसको भारत के नागरिक कभी भूल नहीं सकते। 11:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से काठमांडू के हयात होटल के लिए रवाना हुआ। यहां लंच में मोदी को शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा गया। ये खाना एक भारतीय शेफ ने तैयार किया था। मोदी के साथ करीब 100 लोगों का शिष्टमंडल भी नेपाल गया। यात्रा के दौरान मोदी विपक्ष के नेता प्रचंड और UML, थमेसी, मोर्चा समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में चीन की बढ़ रही रुचि को देखते हुए भी रणनीति के तौर पर मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। नेपाल में मोदी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। दोपहर 12:00 नरेंद्र मोदी ने नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र पांडे से मुलाकात की। इस मुलाकात में शिष्टाचार भेंट की और पनबिजली, व्यापार, ऊर्जा एवं सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद महेंद्र पांडे ने कहा
कि बातचीत बड़े ही सौहार्द और मित्रतापूर्ण माहौल में हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर विकास करना होगा। एक मजाकिया अंदाज में महेंद्र पांडे ने कहा कि मोदी कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उस पर अमल करने में यकीन रखते हैं। पिछले 17 सालों में नेपाल का दौरा करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होने की उम्मीद लगाई है। मैं कहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद देश का प्रधानमंत्री नेपाल जा रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि नेपाल के साथ और अच्छे रिश्ते वो कर आएंगे। दोपहर 2 बजे नरेंद्र मोदी काठमांडू के पंच सितारा हयात होटल से नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय सिंह दरबार के लिए रवाना हुए। सिंह दरबार में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। नेपाल के अंग्रेजी समाचार पत्र द काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि मोदी का ये दौरा नेपाल और भारत के संबंधों में एक परिवर्तनकारी मोड़ लाएगा। शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी ने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत नेपाली भाषा में रखी। हाम्रो नेपाल संघ को संबंध मेरो सरकार को उच्चतम प्राथमिकता मध्य हो। मोदी ने अपने भाषण में कई अहम मुद्दों पर बात करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा काम आपके काम में दखल देना नहीं, बल्कि आपके विकास में सहयोग देना है। मोदी ने नेपाल के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। इस दौरे के जरिए मोदी नेपाल से अपने रिश्तों को मजबूती देना चाहते हैं। अपने भाषण में मोदी ने नेपाल के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं, और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। शाम 6 बजे नेपाल में भारतीय राजदूत रंजीत राय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। रात 8 बजे मोदी के सम्मान में नेपाल के पीएम सुशील कुमार कोइराला ने काठमांडू के एक होटल में डिनर का प्रोग्राम रखा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक साथ यहां डिनर किया। साथ ही मोदी ने अपने भाषण में कही कुछ बातों का जिक्र भी किया। आपको बता दें, कल सावन के आखिरी सोमवार के दिन मोदी काठमांडू में पशुपतिनाथ के मंदिर में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले भी मोदी उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। मोदी के 2 दिनों के नेपाल दौरे के पहले दिन आज पूरे नेपाल में मोदी ही छाए रहे। आज पूरा नेपाल मोदी में हो गया। अब देखना होगा मोदी ने जो नेपाल के लिए घोषणाएं की हैं, उससे दोनों देशों के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है। सुदर्शन न्यूज के लिए नमित त्यागी की रिपोर्ट। चलिए, तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी का दिन भर की कार्यशैली रही, कब नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे और कैसा कार्यक्रम रहा, जब वो नेपाल की संसद में पहुंचे और जब वहाँ के लोगों को संबोधित किया, उस वक्त की तस्वीरें क्या थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर अगर देखने को मिली तो वो थी विपक्षी पार्टी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस रिश्ते में कांग्रेस ने भी अपना पक्ष बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है। एक बार फिर से दिनेश जी आपके पास आना चाहूँगी। अगर नेपाल की बात की जाए, आज इस बात का भी जिक्र किया कि नेपाल भारत को बिजली प्रदान करे, जिससे नेपाल और ज़्यादा विकसित होगा और भारत की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और एक रोजगार का बहुत बेहतर माध्यम देखने को मिल सकता है, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, आज जैसे जिस समय वो संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें की। जैसे उन्होंने हिट की बात की, उन्होंने हाईवे की बात की, उन्होंने आईवे की बात की, उन्होंने ट्रांसवे की बात की। उसी वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि एक ऐसा रिसोर्स है नेपाल के पास, एक ऐसा आज ही उस रिसोर्स के नाते हिंदुस्तान में भी और नेपाल में भी आज संकट है,
आज उसी जलवृष्टि की वजह से अगर आप देखिए तो दोनों देशों में संकट है, बिहार में और नेपाल में, लेकिन उसका सदुपयोग नेपाल कैसे कर सकता है, उन्होंने उसकी तरफ इंगित किया कि हमको हमारे भारत देश के अंधेरों को दूर करने में नेपाल यहां सहायक सिद्ध हो सकता है कि बशर्ते हम उसके सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए हिंदुस्तान को जो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम फ्री में नहीं लेना चाहते हैं बिजली, हम पैसे दे के बिजली प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे अंधेरों को, भारत के अंधेरों को निश्चित तौर पर अगर दूर कर सकता है तो नेपाल दूर कर सकता है, उसकी भूमिका हो सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब नेपाल मजबूत हो। बिल्कुल, नेपाल की तरफ से भी सक्रियता देखने को मिलनी चाहिए, तभी ये चीजें संभव होती हुई नजर आ सकती है। आपके पास आना चाहूंगी यादव जी, जो बिजली की बात हो गई और तमाम रोजगार की बात की गई, व्यापार की बात की गई, तमाम चीजों का जिक्र किया नरेंद्र मोदी, आपको क्या लगता है कि अगर इन चीजों को विकसित करने की कोशिश की जाती है तो रिश्ते मजबूत होंगे ही, साथ ही साथ रोजगार को लेकर दोनों ही देशों में कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी? जरूर मिलेगी, और आज ही नहीं है, पहले अगर आप देखें तो अच्छा हम लोगों को ये कॉपरेशन मिलता था जी जी, और इस चीज में काफी बढ़ोतरी मिलेगी मोदी जी के स्टेप से। आपको इस यात्रा में, इस दौरे में सबसे खास बात जो नरेंद्र मोदी की नजर आती है वो क्या है, जिसकी वजह से भारत और नेपाल दोनों को ही बेहतर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ सकता है? हमको सबसे बड़ी बात ये लगती है कि जैसे अभी तक, ये मेरे ख्याल से मोदी जी पहला प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने पड़ोसी पे देशों से संबंध मजबूत करने का प्रयास किया जी, और ये मोदी जी के प्रयास से एक तो उन्होंने वो भी बात किया है जो कि आपने नहीं दिखाया है शायद जी, वो नक्सल पर भी उन्होंने बात किया है कि वो लोग बुद्ध बन जाए, तो वो एक बड़ी समस्या है जिससे निपटारा पाया जा सकता है। बहुत सी ऐसी जी, मेरा सवाल यही है यादव जी कि अगर खासतौर से बात कीजिए, बहुत सी चीज़ों का जिक्र हुआ, बहुत सी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन आपको इस दौरे में, इस बातचीत में सबसे अहम और ख़ास पहलू क्या लगा, क्या लगता है कि वो चीज़ सबसे बेहतर है? सवाल आपसे ही मेरा जी। ये हमको लगता है कि दोनों देश के बीच संबंध सुधरेगा, हमको अर्थ या इकोनॉमिक संबंध भी अच्छा मजबूत होगा, जाहिर तौर पर इकोनॉमिक चीजें भी हमें बेहतर देखने को मिलेंगी, संबंध और ज्यादा बेहतर मिलेगा। कुंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंवर आपके पास आएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये नेपाल में कुछ ऐसी चीज है जैसे सेवई उवई है, सेव आप लोग नहीं समझते होंगे, एक डोरी होता है, वो मोरंग एक जगह है, काफी वहाँ वो मिलता है, जैसे ऊड है, इस सब में बहुत आसान हो जाएगा हमको। चलिए, जाहिर तौर पर व्यापार ऊर्जा भी मिलेगी, हाँ, और बहुत सी चीजें हैं जो व्यापार के लिए भी लिहाज से बहुत बेहतर। और सबसे बड़ी बात है हमको जो लगता है कि जो एक हमारे आपके पास आना चाहूंगी, आपसे मेरा सवाल है, अगर बात की जाए आज नेपाल और भारत दोनों के रिश्तों में नरेंद्र मोदी ने एक नई इबारत की कहानी लिखनी शुरू कर दी है, ये कहानी किस मोड़ पर आकर रुकेगी और इस कहानी का अंजाम क्या होगा, क्या लगता है? हमसे पूछ रहे हैं, नहीं देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का महत्व नेपाल के लिए कितना है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेके उनके होटल तक और जहां वो सांसदों को संबोधित करने गए वहां तक सड़कें दोनों तरफ पटी हुई थी, तमाम नेपाली लोग सड़कों पर थे, नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। निश्चित तौर पर इस बात को नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि काफी लंबा समय लग गया आते आते, यानी कि 17 साल का जो लंबा समय रहा भारत की तरफ से रुसवाइयों का, वो लोगों को दर्द नजर आया और वही उत्साह में बदलकर नरेंद्र मोदी की गाड़ियों के दोनों तरफ सड़कों पर नजर आया। दूसरा, जितने भी नेशनल न्यूज चैनल्स और तमाम जो नेटवर्क थे नेपाल में, नरेंद्र मोदी के भाषण को, उनकी यात्रा को लाइव प्रकाशित किया गया और पूरे देश ने, नेपाल ने, तमाम लोगों ने बैठकर उसको सुना। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं कुंवर जो यहाँ पर अहम कही जा सकती हैं और बहुत सी चीजें हैं जो हमें डेवलप होती हुई नजर आई। लोगों का यही शिकवा था कि नरेंद्र मोदी बहुत देर आए, लेकिन ये कह सकते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इस मुलाकात में, इस दौरे में क्या अहम चीजें नरेंद्र मोदी की तरफ से हमें देखने को मिली और यही अहम चीजें आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेंगी, आइए आपको दिखाते हैं। और संविधान निर्माता ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि जिसके कारण हर नेपाली को लगेगा, हाँ ऐसा बढ़िया गुलदस्ता आया है, मेरा फूल भी महक मुझे उसमें महसूस हो रही है, वो काम आप करने जा रहे हैं। संविधान वो हो जो सर्वजन हिताय हो, सर्वजन सुखाय हो।
मा नेपाल मा आउना पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्ष ही एक पथिक यातीत तीर्थालु को रूपमा म यहाँ आएको थिए। मैं उन सबको बधाई देता हूं जिन्होंने उलेट का रास्ता छोड़ करके बैलेट के रास्ते पर जाने का संकल्प किया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो युद्ध से बुद्ध की ओर प्रयाण किया है, और इस सदन में आपकी मौजूदगी युद्ध से बुद्ध की तरफ की आपकी यात्रा का अनुमोदन करती है, और इसलिए मैं आपको बधाई देने आया। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। मैं मूलतः गुजरात का, सोमनाथ की भूमि है, और सोमनाथ से भूमि से चल करके मैं राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। ये वो भूमि है जहां किशोरी जी बचपन में खेला करती थी, और आज भी हम जनक का स्मरण करते हैं। ये भूमि है जिसने विश्व को अचंभित कर देने वाले भगवान बुद्ध को जन्म दिया है। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं, और इसलिए हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पल मेरे लिए कितने गर्व की पल है, क्योंकि आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है। ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का या भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, ये 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। चलिए, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने तमाम चीजों का जिक्र संसद में किया, और ये कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब नेपाली संसद में कोई प्रधानमंत्री मौजूद है और अपनी बातों को रख रहा है और सभी को जोड़ने की कोशिश की। यही अंदाज है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सबके दिलों में राज किया करते हैं। आपके पास आना चाहूंगी दिनेश जी, इस संसद में बहुत सी बातें देखने को मिली, और ख़ासतौर से ये तमाम बातें दोनों देश की जनता पर एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश करती हैं। निश्चित तौर पर प्रियंका जी, अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि दुनिया के पहले प्रधानमंत्री को नेपाल की संविधान सभा को संबोधित करने का मौका मिला, और उसके लिए उन्होंने अपने नियमों में बदलाव किया, और उनके यहाँ है कि कोई लिखा हुआ वक्तव्य वहाँ पढ़ा जाता है। आज प्रधानमंत्री जी ने, जो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लिखा वक्तव्य नहीं, और जितनी लाइनें उन्होंने कही, हर लाइन पर किस तरह से करतल ध्वन हो रही थी, किस तरह से मेजे थपथपाकर उनकी बातों का स्वागत किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि सिर्फ उन्होंने नेपाल के उस संविधान सभा का दिल नहीं जीता, बल्कि करोड़ों करोड़ों नेपालियों के दिल पर सभी का दिल जीत लिया। कुमार, आपके पास आना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी। संस्कृति, सभ्यता और भावना, तीनों का मिश्रण इस दौरे में नजर आया। बिल्कुल, आगाज अच्छा हुआ है और अंजाम भी बहुत उम्दा होगा, इसमें कोई दुराया नहीं, जो आपने पहले प्रश्न किया था। दूसरा, मैं आपको बता दूं प्रियंका, कि एक बारगी ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री अपने ही देश में अपनी संसद को संबोधित कर रहे हों या अपने सांसदों को सेंट्रल हॉल में संबोधित कर रहे हों। देखिए, जिस तरीके का स्वागत और मेजे थपथपाई जा रहे थे, निश्चित तौर पर यह लगा कि नरेंद्र मोदी दिल से बोल रहे हैं, और उनके दिल में दर्द है कि आखिर इतना समय क्यों लगा नेपाल से ये मित्रता प्यार जताने में। क्योंकि नेपाल और भारत की अगर बात की जाए तो तमाम चीजें एक सी हैं। चलिए, शुरुआत में ही बहुत सी बातें जो है कुंवर वो निकलकर सामने आ गई, जैसे कि पहले ही कह दिया था, देर आए दुरुस्त आए, और उसके बाद के लिए
लाइनें आपने पूरी कर दी हैं कि आगाज अच्छा है तो अंजाम भी बेहतर होगा। हम जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस दौरे का जो इफेक्ट है, जो संदेश है, वो दोनों देशों के रिश्तों में ही नजर आएगा। रोजगार और व्यापार की जो चीजें हैं वो मजबूत होती हुई दिखेंगी और इससे सभी देशवासियों को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर इस तमाम जानकारी के लिए। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। कल की बात की जाए तो कल बहुत अहम दिन है जब वो पशुपतिनाथ जाएंगे, दर्शन करेंगे और ये कहा जा सकता है कि ये दौरा तमाम देशवासियों को बहुत बेहतर सौगात देगा और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। इसी के साथ प्राइम टाइम में बस इतना ही। जय हिंद।